गरियाबंद के मऊझर पंचायत में इस बार पंचायत चुनाव में दिलचस्प परिणाम देखने को मिला। पिछली बार मास चुनाव में हारी बेटी ने इस बार हिसाब किताब बराबर कर लिया। हालांकि बेटी को इस बात का मलाल है कि उसे अपनी मां के सामने चुनाव लड़ना पड़ा। गांव के सरपंच बनी संजू कश्यप का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही संजू ने भी ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से दूर करने का भरोसा दिलाया। जनता ने आशीर्वाद दिया है, यदि मेरी जीत नहीं जनता की जीत है। मुझे अपनी जीत की खुशी तो है पर माँ के साथ चुनाव लड़ना पड़ा इसका मुझे दुख है। मैं विकास के मुद्दे को लेकर जनता तक गई और मुझे आशीर्वाद मिला। मैं विकास कार्य का शहर तक ले जाऊंगी। चौपाल का आयोजन करना, उस स्वास्थ्य केंद्र एवं हाईस्कूल खुलवाना, साथ नियमित ग्राम सभा कर जनता की समस्या का निराकरण उच्च अधिकारियों से करवा मेरा लक्ष्य है। आपको बता दें, दिलचस्प मुकाबले का परिणाम भी दिलचस्प रहा है। यहाँ पर जो है बेटी ने चुनाव जीत के अमां को हराया है। अधिक जानकारी के लिए पुरुषोत्तम पात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, राजनीति में मुकाबला हम बाहर तो देखते ही हैं और यहाँ पर घर में ही मुकाबला हो गया, पहली बार नहीं हुआ था। पिछले पंचवर्षीय में भी जो है माँ बेटी आमने सामने थे, लेकिन पिछले साल जो है माँ जो सुशीला देवी है वो 6 वोटों से बेटी को हराकर सरपंच बनी थी, लेकिन इस बार जो है गांव का पूरा प्यार जो है बेटी पर उमड़ा और बेटी इस बार के चुनाव में मां को शिकस्त देते हुए 500 से भी ज्यादा वोट से जीत गई। और सीधा जो समर्थक हैं ग्रामीणों हैं उनका सीधा कहना था कि एक बार जब हम बेटी को मां को मौका दिए हैं, मां उम्र दराज भी होगी तो क्यों ना इस बार बेटी को मौका दिया जाए। बेटी ने सहानुभूति वोट बटोरने में भी कामयाब रही और वहीं मां के साथ जो है पिछले साल कार्यकाल में जो भी चूक हुई थी, कमी हुई थी, वो भी साथ साथ चल रहा था, जिसकी वजह से मां को भी हार का सामना करना पड़ा। अब उनकी मां का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पहले वो थी, अब 500 से ज्यादा वोट उनकी बेटी को मिले हैं, उनका क्या कुछ रुख था, क्या वाकई में वो खुश हैं? जी देखिए, ये जो दूरियां हैं इनके बीच, रिश्तेदारी की दूरियां हैं, वो पिछले पंचवर्षीय से ही बरकरार थी और वो अब वो जो खाई जो है और गहरा होता चला गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद जो है जो बेटी जो है माँ के बजाय नानी माँ के पास गई, वहाँ माँ से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन माँ से नहीं, मेरी नानी माँ से आशीर्वाद ली हुई है और जो है बीच में जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से लग रहा है, नहीं लगता कि वर्तमान में ये जो है उनके बीच रिश्ते सुधर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेगी। बेटी का यही कहना है कि गांव के सभी लोगों को साथ में लेके चलेगी और कभी ना कभी अपनी माँ को मना लेगी, उसको पूरा विश्वास है इस पर। जी वाकई ये उम्मीद तो यही की जा सकती है, जिस तरह से 500 वोट उन्हें ज्यादा मिले हैं तो उम्मीदों पर जो है लोगों की उम्मीदों पर वहाँ के खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।